नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के बुक की लेखपाल परीक्षा प्रैक्टिस सेट की, जो कि ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित 50 प्रैक्टिस सेट जो इस बुक में दिए हैं, तो इससे संबंधित हम लोग इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, और ये जो है 8/12/2021 को घोषित जो नवीनतम पाठ्यक्रम है उस पर ही आधारित होगा प्रैक्टिस सेट। इसमें जो है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजना में प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, और इसके बाद ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं इसमें सम्मिलित की गई हैं, जो कि नवीनतम लेटेस्ट पैटर्न पर जो है सिलेबस जो दिया गया था उसी पर ही आधारित होगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है टोटल हैं 50 प्रैक्टिस सेट हैं, और हम इस वीडियो में बात करेंगे 10 प्रैक्टिस सेट, शुरुआत के 10 प्रैक्टिस की हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं और उससे बारे संबंधित जो है देखने वाले हैं। ठीक है, बाकी इसके अगले वीडियो में हम 10 प्रैक्टिस की बात करेंगे, फिर उसके अगले वीडियो में अगले 10 की बात करेंगे, इसके बाद इस तरीके से इसमें 5 वीडियो हम बनाएंगे 10-10 करके। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब वीडियो अपलोड होए तो आपको उसका पता चल पाए। ठीक है, और साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यह है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें बताना कि किस वर्ष जो है इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसमें आंसर हो जाएगा 1983 में जो है स्थापना किया गया था उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की स्थापना, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्व परिषद का मुख्यालय किस शहर में है, ये बताना है। तो राजस्व परिषद का मुख्यालय जो है वो प्रयागराज में है, इलाहाबाद, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और राजस्व परिषद का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1831 में। कब हुआ था, 1831 में, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन आगे अभी आपके आने वाले जितने भी सेट हैं उसमें बारी बारी करके इससे संबंधित क्वेश्चन ऐसे मिलते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, अधिया और बटाई शब्दों का जो है प्रयोग किस अभिप्राय में किया जाता है। ठीक है, अधिया और बटाई जो शब्द है इसको किसके मतलब परिप्रेक्ष्य में इसको किया जाता है, तो ये शब्द दोनों होते हैं फसलों की जब साझेदारी यानी कि खेती में जब करते हैं उसमें साझेदारी जब किया जाता है। ठीक है, तो उसमें अधिया और बटाई शब्द का प्रयोग करते हैं, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी, तो वो थे पंचायत बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति की किसने संस्तुति दी थी, तो वो थे सिफारिश किया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ठीक है, 1957 में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। और एक है अशोक मेहता समिति, इन्होंने जो है द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के जो है सिफारिश किया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति और द्विस्तरीय अशोक मेहता समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से कृषि प्रधान योजना थी, ये बताना है। तो अगर हम इसमें देखें कौन सी पंचवर्षीय योजना, जैसे 5-year plans जो आया 1951 से स्टार्ट हुआ और 1951 से लेकर 1956 तक पाँच वर्ष का एक मतलब एक योजना पंचवर्षीय चलाया गया था इस तरीके से, तो इसमें बताना कि किस पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि पर मुख्यतः ध्यान दिया गया था। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर इसका हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया था, और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है अगर बात करें इसकी डेट, तो 1951 से लेकर 1956 तक इसकी डेट थी। ठीक है, और इसमें कृषि प्रमुखता ध्यान दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय जो थी 1956 से लेकर 1961 तक, उसमें जो उद्योग औद्योगिकरण या उद्योग पर सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया था, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि पंचायत भंग होती है तो कितने माह के भीतर चुनाव जो है संपन्न होने चाहिए, तो वो होता है, इसमें आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, 6 माह के भीतर जो है चुनाव करा लेना चाहिए अगर पंचायत भंग होती है तो। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्न योजनाओं में से कौन सी योजना COVID-19 महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण और शिक्षा एवं सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, इसमें बताना कौन सी योजना ऐसी उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया जो कि COVID-19 के कारण निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा और सुविधा से जो है सुरक्षा से संबंधित है।
तो इसमें अगर आंसर की बात करें तो वह योजना का नाम है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो यह शुरुआत किया गया था जून 2021 से शुरुआत किया गया है, लेटेस्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा आवास योजना, जो एक केंद्र समर्थित योजना है और का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात कितना है, यानी कि इंदिरा आवास योजना में जो है दोनों राज्य और केंद्रों का कितना कितना अनुपात में पैसा जो है वहन होता है व्यय, तो उसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, 75:25, यानी कि 500 रुपये में अगर देखा जाए तो 75 रुपये केंद्र सरकार वहन करती है और 25 रुपये राज्य सरकार वहन करती है। ठीक है, इंदिरा आवास योजना की बात करें तो स्टार्टिंग डेट इसकी जान लेते हैं, तो शुरुआत किया गया था 1985-86 में, कब शुरुआत किया गया था 1985-86 में, आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत ज्योत का आकार कितना होता है ये बताना है, तो अगर सीमांत ज्योत के आकार की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 1 हेक्टेयर से कम, जो सीमांत ज्योत होता है उसका आकार जो होता है खेत का या क्षेत्र का, तो उसमें जो है उसका 1 हेक्टेयर से कम जो ज्योत होता है उसे सीमांत ज्योत कहते हैं। ठीक है, अब इसमें और होते हैं जैसे कि लघु ज्योत। ठीक है, तो लघु ज्योत की बात करें तो उसमें जो होता है 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य होना होता है तो उसे लघु ज्योत कहते हैं। इसके बाद मध्यम ज्योत होता है जो कि 4 से 10 हेक्टेयर के मध्य होता है, और बड़ी ज्योत होता है यानी कि बृहद ज्योत होता है तो उसको कहा जाता है 10 हेक्टेयर से उससे अधिक जिसका होता है उसको बड़ी ज्योत कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन है उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है ये बताना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नगर निगम कितने हैं टोटल ये बताना है, तो उत्तर प्रदेश में टोटल नगर निगम जो है वो 17 है। ठीक है, 17वां नगर निगम का नाम क्या है, तो 17वां नगर निगम का नाम है शाहजहांपुर, 17वां नगर निगम का नाम है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 एकड़ में कितने वर्ग गज के बराबर होता है ये बताना है, तो 1 एकड़ जो है अगर हम बात करें 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है, तो 1 एकड़ जो होता है वो 4840 यानी 4840 वर्ग गज के बराबर होता है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो ये शुरुआत किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, प्रयोगशाला से खेतों तक जो कार्यक्रम है ये शुरुआत किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है सांडी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में है, तो सांडी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये अगर हम बात करें तो ये कौन से जनपद में पड़ता है, किस जिले में, तो ये हरदोई जिला में पड़ता है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, हरदोई जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा किस जिले में स्थित है या किस जनपद में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुलंदशहर, नरौरा कहाँ है, बुलंदशहर में स्थित है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र है। अगला क्वेश्चन है लाल मृदा यानी कि लाल मिट्टी जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश किन जनपदों में पाई जाती है मुख्य रूप से, तो इसका आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर सोनभद्र में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है ये बताना है, तो न्यूनतम जिला वाला जनसंख्या जो है वो है महोबा। ठीक है, महोबा जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या वहाँ पे है उत्तर प्रदेश के जिलों में। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला की बात करेंगे तो सर्वाधिक जिला जो है सर्वाधिक जनसंख्या है उसका नाम है प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज में जो है सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है माहीगीर जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है मुख्य रूप से पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिजनौर, बिजनौर जनपद में जो है माहीगीर जनजाति निवास करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिजनौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, देखिए अभी ये पूछा गया था कि त्रिस्तरीय जो पंचायती राज प्रणाली है वो किसकी संस्कृति के आधार पर जो है उसको लागू किया गया, वो किया गया था सिफारिश, तो वो था बलवंत राय मेहता समिति। अब पूछा गया है कि ये जो लागू किया गया था ये कब लागू किया गया था, तो आंसर इसका हो जाएगा 1959 में, इनकी अनुशंसाओं के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को 1959 में लागू किया गया था। ठीक है, लेकिन ये समिति कब प्रस्तुत की थी रिपोर्ट अपनी, 1957 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन कब प्रारंभ हुआ ये बताना है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन प्रारंभ हुआ 15 मई 1947 को, कब प्रारंभ हुआ 15 मई 1947 को। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से लोकसभा हेतु कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो उत्तर प्रदेश लोकसभा हेतु जो है टोटल अगर सदस्यों की बात करेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा 80 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के लिए 31 सदस्य होते हैं, ये आपको दोनों याद रखना है। इसके बाद टोटल 21वां क्वेश्चन है बंदोबस्त का शुभारंभ
सर्वप्रथम किसने किया था? तो बंदोबस्त का शुभारंभ जो है ये किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, शेरशाह सूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनका कार्यकाल की बात करेंगे तो 1540 से लेकर 1545 तक था। ठीक है, इनका कार्यकाल शेरशाह सूरी का, और 1540 के पहले जो है ये हुमायूं थे, हुमायूं को इन्होंने हराया था शेरशाह सूरी ने। इसके बाद 1540 से 45 तक ये जो है कार्यकाल इनका रहा था, मतलब राजा था, सुल्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1999 को। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो शुरुआत हुआ था ये 2 अक्टूबर 1952 को शुरुआत हुआ था। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बताना इसमें। ठीक है, इसमें दिया गया है कि 20 फिस बराबर जव या जव, ठीक है, 20 जव बराबर 1 दशमलव या डिसमल, 12 पाई बराबर 2 आना, 16 आना बराबर 1 रुपये। इसमें बताना कौन सा गलत दिया गया है। तो गलत अगर पार्ट की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 12 पाई बराबर 2 आना जो दिया गया है ये गलत है, 12 पाई बराबर 1 आना के बराबर होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी किस तरीके से अपनाई गई थी, इसमें बताना है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो अपनाई गई थी वो लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाया गया था। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो था प्रैक्टिस चैट नंबर 1। अब देखते हैं प्रैक्टिस चैट नंबर 2। इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, तो संस्कृति कला और उपकरणों के प्रकट परंपरागत ज्ञान का वो संगठित रूप है जो परंपरा के द्वारा संगठित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाती है, यह किसका कथन है ये बताना है। तो यह कथन दिया गया था रेड फील्ड के द्वारा। ठीक है, रेड फील्ड ने बताया था और रेड फील्ड के द्वारा दिया गया था। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा 1831, जो पहले प्रैक्टिस में हमने बताया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट 1831। खसरा और खतौनी का निरीक्षक कौन होता है? तो खसरा और खतौनी का निरीक्षक होता है कानूनगो। ठीक है, लेखपाल मतलब का नाम, निरीक्षण जो करता है खसरा और खतौनी का वो कानूनगो होता है। ठीक है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो संविधान के जो है नवा भाग नौ, उसमें जो है पंचायती राज संबंधी प्रावधान किए गए हैं। भाग 9 में अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 243 ए के से लेकर 243 ओ तक जो है ये अनुच्छेद इसमें वर्णन है। और ये किस अनुसूची में रखा गया है? तो ये 11वीं अनुसूची में रखा गया है, और इसमें टोटल 29 विषय हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ पॉइंट है जो इसको आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय सुशासन का प्रारंभ किस वायसराय के समय माना जाता है? तो भारत में स्थानीय सुशासन का प्रशासन जो है ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। रिपन का कार्यकाल था 1880 से लेकर 1884 ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो जमाबंदी से तात्पर्य अगर हम बात करें इसमें, तो वो हो जाएगा भू अधिकारों का प्रलेख से संबंधित होता है जमाबंदी। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? ठीक है, ये बताना है कि ये जो टैगलाइन है तो ये किस पंचवर्षीय योजना में जो है इसका उद्देश्य रखा गया था? तो अगर हम आंसर की बात करें तो ये रखा गया था 4थी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 4थी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी? तो ये चला था 1969 से लेकर 1974 तक। ठीक है, 1969 से लेकर 1974 तक। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब हुई? तो मिशन इंद्रधनुष योजना ये अगर हम बात करें तो इसकी स्टार्टिंग डेट है 25 दिसंबर 2014। कब शुरुआत किया गया? 25 दिसंबर 2014 को जो है मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था जो है बर्ड योजना ये कब लागू किया गया? तो महालवाड़ी व्यवस्था की बर्ड योजना जो थी ये लागू किया गया है 1833 से। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, सॉरी बी पार्ट हो जाएगा, 1833। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, जोत दिया है, जोत के आकार, सीमांत जोत, छोटी जोत, मध्यम जोत, बड़ी जोत, इसके बाद इधर उससे संबंधित आकार दिया गया है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा गलत हुआ दिया गया है? तो वो दिया गया है बड़ी जोत। बड़ी जोत जो दिया गया है 10 हेक्टेयर से कम, तो ये गलत हो जाएगा। बड़ी जोत में क्या आता है? 10 हेक्टेयर से अधिक, 10 हेक्टेयर से अधिक आता है, उसको हम बड़ी जोत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है कूट की सहायता से। दिया गया है इसमें एक एयर बराबर कितना होता है, इसके बाद फिर एक वर्ग मीटर, फिर एक बीघा, फिर
एक मीटर, उसके बाद इधर दिया गया, इसको मिलान करना कि कौन सा किससे मिलेगा, इसके बाद इसमें इस तरीके से आंसर इसमें बताना है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम इसके अगर आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है, सी पार्ट हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, एक एयर बराबर कितने के मान मतलब होते हैं, तो एक एयर बराबर होता है 121 वर्ग गज के बराबर, ठीक है, एक एयर बराबर होता है 121 वर्ग गज के, तो इसका आंसर हो जाएगा 121 वर्ग गज, ठीक है। एक वर्ग मीटर किसके बराबर होता है, तो 119.59 वर्ग मीटर वर्ग गज के बराबर होता है, तो ये इसका आंसर बी का जो हो जाएगा तीसरा, ठीक है। इसके बाद एक बीघा की बात करेंगे, तो एक बीघा हो जाएगा, एक बीघा बराबर होता है 20 बिसवा, तो आंसर इसका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एक मीटर की, तो एक मीटर का मान हो जाएगा, एक मीटर का मान हो जाएगा 3.28 फीट, एक मीटर का मान होता है 3.28 फीट, तो इस तरीके से इसमें सी पार्ट सही हो जाएगा, इस तरीके से इसको लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी, इसमें रबी की फसल कौन सी नहीं है बताना है। तो रबी की फसल की अगर हम बात करें इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा तरबूजा, तरबूजा जो दिया गया है रबी की फसल ना होकर यह जायद की फसल होती है, बाकी गेहूँ जौ सरसों मटर चना ये सारे रबी की फसल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु जैविक औषधि औषधि संस्थान ये कहाँ पर है, इसको बताना है। तो पशु जैविक औषधि संस्थान जो है ये पड़ता है लखनऊ में, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी पार्ट हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना जो है ये 1966 में किया गया था, 1966 में, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं बताना है। अरगट बाजरा ये बीमारी का नाम है, फसल की कौन सी बीमारी जो है इस फसल में लगती है बताना है, ठीक है। बुकनी मटर में, उकठा रोग अरहर में, रेड रॉट धान में। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, रेड रॉट जो धान लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, रेड रॉट रोग जो होता है ये रेड रॉट ये गन्ना में लगता है, किस में लगता है, गन्ना में, तो ये गन्ना का रोग है, इसमें धान लिखा तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, अवस्थित है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ये मथुरा में स्थित है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कौन सा सही सुमेलित है, ओखला पक्षी विहार गोंडा, तो ओखला पक्षी विहार गोंडा ना होकर ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो सांडी पक्षी विहार उन्नाव, तो सांडी पक्षी विहार जो है ये हरदोई में है, ठीक है, हरदोई में, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बकीरा पक्षी विहार मैनपुर लिखा है, जो कि बकीरा पक्षी विहार है संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर में है। और समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली, ये सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट ही हो जाएगा, हमें सही बताना था, बाकी सारे बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माता टीला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है ये बताना है। तो माता टीला जल विद्युत परियोजना जो है ये बेतवा नदी पर स्थित है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, बेतवा नदी, ठीक है। और माता टीला कहाँ पर है जल विद्युत परियोजना, तो ये ललितपुर में है, ललितपुर, ठीक है, मध्य प्रदेश के बीच में जो देखते हैं उत्तर प्रदेश का छोटा सा भाग जो हट टाइप लगा होता है उसी को ही ललितपुर कहते हैं। प्राचीन काप मिट्टी वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं ये बताना है। तो प्राचीन काप वाले मिट्टी के क्षेत्रों को कहा जाता है बांगर, क्या हो जाएगा आंसर इसका, बी पार्ट हो जाएगा बांगर, ठीक है, बांगर कहते हैं। एनपीके किस अनुपात में जो है प्रयोग की संस्तुति की गई है, ठीक है, यानी कि एनपीके के किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है, तो वो किया गया है 4:2:2 की संस्तुति की गई है, आंसर इसका डी सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की बात करेंगे तो 912 स्त्री हैं, ठीक है, 943 है जो भारत के लिंगानुपात है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात 912 है। सारनाथ का सिंह स्तंभ किस कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो सारनाथ का सिंह स्तंभ जो है ये मौर्य कालीन स्थापित कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है, तो एस्बेस्टस जो होता है उत्तर प्रदेश में ये मिलता है मिर्ज़ापुर क्षेत्र में, मिर्ज़ापुर ज़िले में, ठीक है, कालीन भैया वाले क्षेत्र में, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में औसत जोत आकार कितना होता है, तो उत्तर प्रदेश में औसत जोत आकार जो है वो 0.73 हेक्टेयर है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क को बाघ परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट के किस वर्ष शामिल किया गया, तो ये शामिल किया गया है 1987-88 में, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। तो ये था प्रैक्टिस नंबर 2, अब देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 3, ठीक है। स्वधार गृह योजना को कौन सा मंत्रालय कार्यान्वित करता है, तो स्वधार गृह योजना का मंत्रालय हमें बताना है, इसके मंत्रालय की बात करेंगे
तो ये हो जाएगा महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है संचालित करता है, कार्यान्वित करता है। तो आंसर इसका बी पार्ट, सॉरी ए पार्ट हो जाएगा, बाल संचार मंत्रालय। ठीक है, ये बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जो है उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ जो है 1954 में हुआ था। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तहसीलदार किस स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी होता है? तहसीलदार जो होता है वह तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी होता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में उल्लिखित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को शक्ति प्रदान की गई है? तो अभी मैंने बताया फर्स्ट पेज में 29 विषय इसमें टोटल हैं। ठीक है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संबंधी से, और ये भाग 9 में रखे गए हैं, भाग 9। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 29 विषय आप याद रखिएगा। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कुल कितने परसेंट का आरक्षित होने चाहिए? तो वो है 33% के आरक्षण। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, 33%। राष्ट्रीय पेयजल मिशन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय पेयजल मिशन जो भारत सरकार द्वारा 1986 में शुरू किया गया। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो ये लागू किया गया था मद्रास में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू किया गया। शजरा क्या है? शजरा की बात करें तो ये क्या है? तो शजरा जो होता है ये एक मानचित्र होता है जिसको शजरा कहा जाता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, मानचित्र है ये। थियोडोलाइट का क्या आकार है? तो थियोडोलाइट की बात करें अगर हम, तो थियोडोलाइट जो होता है वो एक यंत्र है जिसकी सहायता से समतल कोण तथा ऊंचाई की कोण की माप की जाती है, उसको क्या कहते हैं? थियोडोलाइट। ठीक है, राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना चलाई जा रही है, कहाँ पर तक चलाई जा रही है? तो संपूर्ण प्रदेश में चल रही राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरिकल्चर से क्या तात्पर्य है? तो फ्लोरिकल्चर जो होता है वो फलों के उत्पादन से संबंधित है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में जो है 1875 में इसकी कृषि विभाग की स्थापना किया गया था। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है वो है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, जो कि मेरठ में पड़ता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक वनाच्छादित जो जनपद है वो है जिला सोनभद्र। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, सोनभद्र। ठीक है, सूची एक को दो से मिलान करना, इधर ताप विद्युत संयंत्र है इधर जनपद है। तो इसमें अगर हम मिलान की बात करेंगे तो आंसर इसके देखते हैं हरदुआगंज। ठीक है, पहले हरदुआगंज देख लेते हैं। अब इसमें अगर हम देखते हैं पहले सबसे पहले आंसर, तो आंसर देख लेते हैं, तो इसमें बी पार्ट सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, और बी पार्ट हो जाएगा। तो हरदुआगंज की बात करें तो यह पड़ता है आपका अलीगंज में। हरदुआगंज कहाँ पड़ता है? हरदुआगंज तापगंज ताप विद्युत संयंत्र जो है अलीगंज में पड़ता है। ठीक है, अनपरा की बात करें तो अनपरा पड़ता है आपका सोनभद्र में। अनपरा ताप विद्युत संयंत्र सोनभद्र में है। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र जो है ये भी सोनभद्र में है। और पनकी ताप विद्युत संयंत्र जो है ये कानपुर में है। पनकी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? कानपुर में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होगा, ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बहुविवाह आचरित करती है? तो वो जनजाति है जौनासारी। जौनासारी जो जनजाति है ये बहुविवाह इसमें अपनाया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है 15 अगस्त 2018 को प्रारंभ किया गया था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति की घोषणा कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति की घोषणा जो है ये 29 दिसंबर 1998 को किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आर्मी एविएशन केंद्र कहाँ पर है? आर्मी एविएशन केंद्र की बात करें तो ये स्थित है झांसी में। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद की अवधि कितनी होती है? तो मंत्रिपरिषद की अवधि की बात करें तो होती है 5 वर्ष सामान्यतः। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वह है कथक। ठीक है, कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। और कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हदबंदी कानून संबंधित है किससे संबंधित है? हदबंदी कानून जो है ये भूमि विषमता को दूर करने से संबंधित है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। एक लाठा किसके बराबर होता है? तो एक लाठा जो होता है ये अगर हम बात करें तो ये 8 फीट 3 इंच के बराबर होता है और 99 इंच के बराबर भी होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, ए और बी दोनों। ठीक है,
पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन के रूप में संगठित किया गया, किसके अंतर्गत? तो ये किया गया है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, और कब हुआ था, 1992 को। ठीक है, अब देखते हैं प्रैक्टिस चरण नंबर 4। प्रैक्टिस चरण नंबर 4 की बात करें तो इसमें हम पहला क्वेश्चन है, समुदाय सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं जो जिसे एक संबद्धता और सामंजस्य की कुल मात्रा कुछ मात्रा पहचाना जा सके। ये कथन किसका है, ये बताना है। तो ये कथन दिया गया था मैकाइवर के द्वारा, आंसर इसका मैकाइवर हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष राजस्व परिषद के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो ये अलग कर जब किया गया था तो वो डेट था 1947-48 में। ठीक है, 1947-48 में राजस्व परिषद के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को जो है अलग कर दिया गया था। राजस्व परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राजस्व परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राज्य सरकार। कौन करता है? राज्य सरकार। ठीक है, स्थानीय प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? तो स्थानीय प्रशासन का जनक जो है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। रिपन का कार्यकाल कब था, कब से कब तक? 1880 से लेकर 84 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, पंचायत की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो पंचायत की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्राम सभा। आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम सभा, और इसका जो है आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में प्रारंभ किया गया था। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अंत्योदय कार्यक्रम कब चलाया गया था, 2000 में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत कितनी राशि मासिक पेंशन के रूप में प्रावधानित है? तो प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, ये अगर हम बात करें तो इसमें जो है टोटल 3000 रुपये मासिक पेंशन रूप में प्रावधानित है। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। समेकित वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह शुरुआत किया गया 2009-10 में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति जो है पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, ये बताना है। तो PVN राव समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति या बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता, अशोक समिति और LM सिंघवी, ये तीनों समिति हैं, संबंधित हैं पंचायती राज से, लेकिन PVN राव समिति जो है ये संबंधित नहीं है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। एक गज कितने गिरह के बराबर होता है, ये बताना है। तो एक गज जो होता है वो 16 गिरह के बराबर होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, 16 गिरह। ठीक है, एक गज कितने गिरह के बराबर, 16 गिरह। मध्य भारत में एक बीघा कितने हेक्टेयर का होता है? तो वो होता है 0.2529 हेक्टेयर का। एक बीघा बराबर 0.2529 हेक्टेयर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, ये बताना है। ठीक है, इस पर जरूर ध्यान देना, निगेटिव कि पॉजिटिव पूछ रहा है। तो इसमें से कौन सा फसल जो है नहीं है, तो वो है मटर। मटर खरीफ की ना होकर रबी की फसल होती है। गेहूं, जो, चना, मटर, सरसों, ये सब रबी की फसल होती है। ठीक है, कपास, मक्का, चावल, ये सारे क्या होते हैं, ये खरीफ की फसल होती हैं। और तरबूजा, ककड़ी, सलाद टाइप के जो होते हैं सब्जियाँ, ये क्या होती हैं, जायद फसलें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ पर स्थित किया गया है? तो ये अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र जो है ये स्थित है प्रयागराज में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। भारत का प्रथम रात्रि वन जीव पार्क नाइट सफारी पार्क कहाँ खोला गया? तो ये ओपन किया गया है, ये कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक एकड़ बार 1.6 बीघा, एक एकड़ बराबर 32 बिस्वा, एक बिस्वा बराबर 20 धूरी, एक लाठा बराबर 100 इंच। इसमें से बताना कौन गलत है। तो इसमें हम गलत आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट ही गलत है। एक लाठा बराबर जो 100 इंच लिखा ये गलत है। ठीक है, एक लाठा बराबर जो होता है वो होता है 99 इंच का, 100 इंच का नहीं होता, 99 इंच का होता है, इसलिए गलत हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वो राज्य कौन सा है जहाँ 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की स्थापना किया गया था? तो वो था राजस्थान। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? तो शिशु लिंगानुपात वाला जनपद जो है वो है बलरामपुर जिला। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना कौन सा गलत है, असत्य है। तो असत्य क्वेश्चन की बात करेंगे तो चेरो जो है ये मैनपुरी जो लिखा हुआ ये गलत है। ये सारे चेरो, पहाड़िया, बैगा, सहरिया जो है जनजाति हैं, चेरो जनजाति मैनपुरी में ये नहीं पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं सोनभद्र और वाराणसी आदि क्षेत्र में, सोनभद्र और वाराणसी जिलों में पाई जाती हैं, इसलिए ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी जो है ये लखनऊ में स्थित है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज संस्था को बिना जड़ की घास कहा था, ये बताना है। तो ये कहा गया था जी वी के राव समिति के द्वारा, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, जी वी के राव समिति। सरसावा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है, तो सरसावा हवाई अड्डा जो स्थित है यह सहारनपुर जिले में स्थित है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था का प्रावधान है, ये बताना है। तो ये जो है ये अनुच्छेद 153 के अंतर्गत दिया गया है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है इसमें कथन, यही बताना फिर इसमें। तो गलत कथन इसमें अगर हम बात करें, भारतीय लोक कला परिषद तो वाराणसी में है, राज संग्रहालय लखनऊ, निराला भवन प्रयागराज और भोजपुरी भवन गोरखपुर। तो भोजपुरी भवन जो गोरखपुर, यह गलत है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला साइबर लैब किस शहर में स्थापित किया गया, तो उत्तर प्रदेश राज्य का पहला साइबर लैब जो है आगरा शहर में स्थापित किया गया है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है, तो उसमें जो चुनाव का प्रावधान है वह प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान का प्रावधान है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 5। पहला क्वेश्चन है, समाज एक स्वयं संस्था है, संघ है, एक संगठन है, औपचारिक स्वरूपों का योग है, जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर संबद्ध है, इसका एक कथन किसका, ये बताना है। तो यह कथन जो है ये गिडिंग्स ने कहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, गिडिंग्स, ठीक है। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण और सर्वेक्षण, ठीक है, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण और सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है हरदोई में, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, हरदोई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूसा रूबी की फसल किस फसल की उन्नत किस्म है, ये बताना है। तो पूसा रूबी जो है टमाटर की उन्नत किस्म है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, टमाटर, ठीक है। कृषि की फसली कृषि या फसली वर्ष से क्या तात्पर्य है, तो कृषि या फसली वर्ष की अगर हम बात करें इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई से 30 जून के मध्य होता है इसका, फसली वर्ष को कहा जाता है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ, तो यह हुआ राजस्थान जिला नागौर से, ठीक है, राजस्थान का नागौर जिला से, वहाँ से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है 1959 में यह शुरुआत किया था। उत्तर प्रदेश में मनरेगा की शुरुआत कब हुई, ये बताना है। तो मनरेगा की शुरुआत हुआ 2 फरवरी 2006 को, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, 2 फरवरी 2006, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दुर्घटना में मृत होने पर कितनी धनराशि प्रदान की जाती है, तो यह धनराशि दिया जाता है टोटल 50,000 की, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। लॉन्च डेट जान लेते हैं केसीसी का, तो 1998 में इसको लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण का जो है 3 सितंबर 2021 को मंजूरी दे दी। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश कितने जिलों से होकर गुजरेगी, ये बताना है। तो ये उत्तर प्रदेश के जो है टोटल 12 जिलों से होकर गुजर रही है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, 12 जिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जरीब की मानक लंबाई कितनी होती है, तो एक जरीब की मानक लंबाई जो होती है वो होता है 66 फीट या फिर 22 गज, दोनों आंसर सही है, इसका सी पार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 66 फीट भी होती है एक जरीब की लंबाई, और एक जरीब बराबर 22 गज के बराबर होता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में देश का कितना प्रतिशत खाद्यान्न उत्पन्न करता है, तो वो आंसर हो जाएगा 19.17% जो है खाद्यान्न उत्पन्न करता है। उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो ये लागू हुआ 1955 में, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। वंदे भारत मिशन संबंधित है, किससे संबंधित है, तो वंदे भारत मिशन जो ये संबंधित था विदेशों में फंसे भारतीयों को तथा विश्वव्यापी लॉकडाउन और स्वदेश वापस लाने के लिए इससे संबंधित है, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक शीर्ष नागरिक बचाव अभियान चलाया गया था 2020 मई 2020 में वंदे भारत मिशन के नाम से, जिसमें बाहर विदेशों में जो फंसे थे भारतीय उनको देश अपने देश लाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है, तो कुल क्षेत्रफल का जो है कितना परसेंट जो है वनावरण है, ये बताना है। तो वो हो जाएगा 6.25% वनावरण है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट। चंदौसी ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, ये बताना है। तो ये जो है चंदौसी ताप विद्युत केंद्र मुरादाबाद जनपद में स्थित है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है, तो जमाबंदी की बात करें अगर, तो जमाबंदी से जो तात्पर्य होता है वो भू अधिकारों के प्रलेख से तात्पर्य है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 1930 में सर्वप्रथम नलकूप निर्माण प्रारंभ किया गया, तो यह प्रारंभ किया गया मेरठ से, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, सॉरी सी पार्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी की दशकीय वृद्धि कितनी दर रही, दशकीय वृद्धि दर कितनी रही ये बताना है। तो दशकीय वृद्धि दर थी 20.22%। बुक्सा जनजात पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है लखत। ठीक है, बुक्सा जनजात के पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लखत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कला एवं जनजातीय संस्कृति संस्थान की स्थापना किस शहर में किया गया, तो ये किया गया लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी, जो कि गोमती नदी के किनारे बसता है। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। कथक नृत्य का मुख्य केंद्र कहाँ है, तो कथक नृत्य का मुख्य केंद्र जो है ये लखनऊ है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलखड़ी का प्रमुख खनिज क्षेत्र कौन सा है, सेलखड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र जो है वो हमीर और झांसी आता है जिला, हमीरपुर और झांसी आता है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। बलवंतराय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था, तो बलवंतराय मेहता समिति के द्वारा जो है पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया गया था, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा की सीटों वाला जनपद कौन सा ये बताना है, तो वो जनपद है प्रयागराज। ठीक है, कितने हैं टोटल, 12 हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम चिकित्सा विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं, तो जो है इनमें सरकार की 3 श्रेणियाँ होती हैं, इनका लक्ष्य जो है गाँव को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो इसमें सही तीनों सही हो जाएंगे, तीनों जो है इसको फुलफिल करते हैं, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अब प्रैक्टिशन नंबर 6 देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का प्रकार है ये बताना है। ठीक है, सामाजिक संरचना का प्रकार इसमें से कौन सा है, तो इसमें अगर हम देखें सार्वभौमिक पदत प्रतिमान जो दिया गया है ये सामाजिक संरचना का प्रकार होता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और डी पार्ट में अगर हम देखें इसमें तो बी सी डी तीनों सही हैं, तो यानी कि सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान और विशिष्ट अर्जित प्रतिमान, ये तीनों जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सामाजिक संरचना के तीनों प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है ये बताना है, तो ये कथन कहा गया था अरस्तु के द्वारा। ठीक है, आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित किस मुगल शासक ने फसली वर्ष की शुरुआत की थी ये बताना है, तो फसली वर्ष की शुरुआत सर्वप्रथम अगर किया गया है तो वो अकबर के द्वारा किया गया था, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम जो है ये लागू किया गया था 1 जुलाई 1950 में, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। अनुसूचित जातियों अनुसूचित जातियों को पंचायतों में आरक्षण दिया गया, कितना दिया गया। ठीक है, तो वो दिया गया उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है, आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम किस दो राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया गया था, तो वो स्थापित किया गया था राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई, और जवाहर रोजगार योजना कब शुरुआत किया गया था, 1989 में। ठीक है, तो 1989 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी, और उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो उस समय 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ठीक है, जिसका डेट था 7वीं पंचवर्षीय योजना का 1985 से लेकर 90 तक डेट था, उसी के बीच में ये शुरुआत किया गया, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत किया गया। अगले क्वेश्चन में बताना है कौन सा इसमें गलत युग्म सुमेलित है ये बताना है, कौन सा इसमें गलत है, तो अगर हम गलत की इसमें बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1.621 मील जो दिया गया ये गलत दिया गया। ठीक है, 1 किलोमीटर 0.621 मील होता है। ठीक है, 0.621 मील होता है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आंसर इसमें डी पार्ट ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रादेशिक को जो है कोऑपरेटिव डेयरी संघ की स्थापना, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है कब किया गया ये बताना है, तो आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1962 में किया गया था, ये कब किया गया था, 1962 में। ठीक है, सी पार्ट हो जाएगा। बादामी क्रांति का संबंध किससे है, तो बादामी क्रांति का संबंध अगर हम बात करें तो आंसर इसका हो जाएगा मसाला उत्पादन से। ठीक है, क्या हो जाएगा, मसाला उत्पादन से। अब इसमें जो दिया गया है फल उत्पादन से, तो फल उत्पादन जो होता है उसको क्या कहते हैं, सुनहरी क्रांति से संबंधित होता है, सुनहरी क्रांति से। ठीक है, उर्वरक उत्पादन की बात करेंगे तो ये कौन सी क्रांति के अंतर्गत आता है, तो उर्वरक उत्पादन जो आता है धूसर क्रांति के अंतर्गत आता है, धूसर क्रांति, या फिर इसको ग्रे रिवोल्यूशन कहते हैं, कौन सा रिवोल्यूशन, ग्रे रिवोल्यूशन। ठीक है,
मांस उत्पादन की बात करें तो ये जो है लाल क्रांति के अंतर्गत आता है। लाल क्रांति, लाल या रेड रिवोल्यूशन की बात करेंगे तो मांस अथवा टमाटर उत्पादन, ये दोनों एक ही अंतर इसके अंतर्गत आते हैं, लाल क्रांति के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 के बाद, क्वेश्चन नंबर 11। संकटग्रस्त विलुप्त प्राय जीवों के विवरण से संबंधित पुस्तक कौन सी है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त विलुप्त प्राय जीवों का विवरण होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण का कुल क्षेत्रफल कितना है, प्रतिशत है, तो उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण का जो है 3.05% है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। और वनावरण की बात करेंगे तो 6.15% है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल मिलाकर 9.20 करके समथिंग है, ये आपको याद रखना है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में स्थित है। ठीक है, बरुआ सागर और भसनेम जलाशय किस जनपद में स्थित है, तो बरुआ सागर और भसनेम जलाशय दोनों झांसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश जनघनत्व में कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो ये वृद्धि हुआ है 139 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, आंसर क्या बी पार्ट हो जाएगा। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना जो है ये 1975 में किया गया था, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है, तो वो है अनुच्छेद 243। कौन सा है, अनुच्छेद 243। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक समिति जो है पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है ये बताना है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये पार्ट हो जाएगा PVN राव समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, तो ये टोटल है 51। कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं उत्तर प्रदेश से, 51। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महासागर बस सेवा की शुरुआत किस महानगर से किया गया था, तो ये किया गया था कानपुर जिला से, आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है ये बताना, तो राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल और देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1866 में, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था, तो ये किया जाता था लेखपाल के द्वारा, आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम 22 जनवरी 2015 को हरियाणा से शुरुआत किया गया था। ठीक है, सफलतापूर्वक कार्य है तो जो है पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, तो स्थानीय जनता की इसमें जरूरत पड़ती है, आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं पेटिशन नंबर 7, कानूनगो के कार्य हैं, कानूनगो के क्या क्या कार्य होते हैं ये बताना है। तो कानूनगो के कार्य में अब 1, 2, 3, 4 में दिया गया, लेखपालों के वेतन और भत्तों का लेखा करना, भू राजस्व के महलों की सूची रखना, भूमि पंजीकरण रखना, खसरा और खतौनी तैयार करना। तो इसमें अगर हम बात करें तो कानूनगो कार्य होता है लेखपालों के वेतन और भत्तों का लेखा करना, भू राजस्व के महलों की सूची रखना, ये दो कार्य होते हैं, बाकी ये दोनों कार्य नहीं होता, ये दोनों कार्य लेखपाल के होते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला स्तर पर जो है जिला परिषद एवं ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत गठित चुन करने का जो है द्विस्तरीय सुझाव किस समिति ने दिया था, तो ये दिया गया था द्विस्तरीय सुझाव अशोक मेहता समिति के द्वारा, ये कब दिया गया था 1977 में। ठीक है, बंगाल ग्राम पंचायत अधिनियम कब पारित हुआ, तो बंगाल ग्राम पंचायत अधिनियम 1919 में पारित हुआ था, क्या हो जाएगा आंसर 1919 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाए गए, काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो चलाया गया था वो पंचवर्षीय योजना थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा डी पार्ट हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष आरंभ किया गया, तो ये प्रारंभ हुआ 2005 में, जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, महाल का अर्थ है, महाल का अर्थ क्या होता है, तो महाल का अर्थ होता है गांव, महालवाड़ी प्रथा जो है वो गांव, महाल का अर्थ ही होता है गांव, तो गांववाड़ी प्रथा हो जाएगा, आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलाही गज कितने अंगुल के बराबर होता है ये बताना है। तो एक इलाही गज जो होता है वो 41 अंगुल के बराबर होता है, आंसर क्या हो जाएगा ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता अधिक है, किस क्षेत्र में उत्पादकता अधिक है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है कृषि श्रम उत्पादकता अधिक है। उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम जो 1976 में पारित हुआ था, आंसर इसका बी हो जाएगा। हवा में पौधे को उगाना क्या कहते हैं, हवा में पौधे को उगाने को कहा जाता है एरोपोट्रिप। ठीक है, एरोपोट्रिप कहा जाता है एरोपोट्रिप। और फ्लोरिकल्चर की बात करें तो ये जो है फूलों की खेती से संबंधित होता है। सेरीकल्चर की बात करें तो ये जो है रेशम कीट पालन से संबंधित होता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है,
तो इस तकनीक में पानी, पोषक तत्व और जो दूसरे साधन के जो है जरिए इस घर के अंदर ही पौधों को तैयार किया जाता है और इसमें जो है हाइड्रोपोनिक्स में मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा, इसमें आंसर सी पार्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा रेलवे पार्ट प्लेटफार्म कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म जो है ये गोरखपुर में है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत जो है उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हुआ था बी पार्ट, देवरिया प्रतापपुर में। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये दिया गया था 1992 में 73वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, हिंडन हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? हिंडन हवाई अड्डा जो स्थित है वो गाजियाबाद में स्थित है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में देश का डायोस्पर उत्पादित परसेंटेज कितना है? तो वह है टोटल 26%। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई जो है निम्न में से कौन थी? तो वो थी कट्ठा। ठीक है, कट्ठा से जो है वैदिक काल में जो है लंबाई मापा जाता था। किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को घटाया बढ़ाया जा सकता है? तो उस यंत्र का नाम है पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ की सहायता से मानचित्र को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन में युग्मों में से असत्य बताना, यानी कि कौन सा इसमें गलत है ये बताना है। ठीक है, तो गलत इसमें हो जाएगा 10 किलोमीटर जो दिया गया है 10 फरलांग के, ये गलत है, बाकी सही है। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर होता है। ठीक है, तीनों सही है। बाकी 10 किलोमीटर की बात करें तो 10 किलोमीटर में कितने फरलांग होते हैं? तो 49.7 फरलांग होता है। ठीक है, जबकि इसमें कितना दिया गया है 10 फरलांग, तो इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उत्तर प्रदेश में देश का कितना प्रतिशत खाद्यान्न जो उत्पादित होता है? तो टोटल उत्पादन होता है 19.17%। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध होता है अंडा उत्पादन से। ठीक है, दूध उत्पादन के श्वेत क्रांति से संबंधित दूध उत्पादन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है इसका श्रेय। उर्वरक उत्पादन की बात करें तो धूसर क्रांति या ग्रे रेगुलेशन की बात करें। फल उत्पादन की बात करते हैं तो सुनहरी क्रांति आता है नाम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव बिहार प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव बिहार है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा महावीर स्वामी वन्य जीव बिहार। ठीक है, महावीर स्वामी वन्य जीव बिहार जो कि कहाँ पड़ता है? ललितपुर में, और ये सबसे छोटा वन्य जीव बिहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजा ताप विद्युत केंद्र जनपद किस जनपद में स्थित है? तो रोजा ताप विद्युत केंद्र जो है ये शाहजहाँपुर में स्थित है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, शाहजहाँपुर। बालहपारा झील ये कहाँ पर है? तो बलहपारा झील जो है ये बलहपारा झील जो है ये कहाँ पर है? तो ये जो है कानपुर में। ठीक है, बलहपारा अलग अलग लिखे हुए हैं, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। उत्तर प्रदेश बुक्सा जनजात विकास परियोजना कब प्रारंभ किया गया था? उत्तर प्रदेश बुक्सा जनजात विकास परियोजना जो है ये 1983-84 में प्रारंभ किया गया था, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। भातखंड संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भातखंड संगीत संस्थान ये अपना लखनऊ में है। अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं, सामाजिक संरचना कितने प्रकार की होती है? तो सामाजिक संरचना की बात करें तो यह होता है चार प्रकार की। ठीक, सामाजिक संरचना कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। भूमि का उपज लगने वाले कर को क्या कहते हैं? भूमि या उपज पर जो है कर लगता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं मालगुजारी। ठीक है, मालगुजारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्राप्त हुआ था? तो उस समय थे पी बी नरसिम्हा राव, आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाए गए? तो ये पंचवर्षीय योजना थी पांचवी पंचवर्षीय योजना, आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा आवास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? इंदिरा आवास योजना की बात करें तो यह प्रारंभ किया गया था 1985-86 में, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। स्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुआ था? तो स्थाई बंदोबस्त की शुरुआत जो है ये लॉर्ड कार्नवालिस के कार्यकाल में किया गया था, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, एक जरीब की मानक लंबाई कितनी होती है? तो एक जरीब की मानक लंबाई होती है 22 गज होता है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। एक लट्ठा कितने कड़ी के बराबर होता है? तो एक लट्ठा जो होता है वह 10 कड़ी के बराबर होता है, आंसर बी हो जाएगा। कंडुआ रोग किस फसल का रोग है? तो कंडुआ रोग जो लगता है यह गेहूँ में लगता है, गेहूँ का फसल का रोग है। ठीक है, इलाहाबादी सफ़ेदा जो है किस फल की प्रजाति है ये बताना है। तो इलाहाबादी जो सफ़ेदा है ये अमरूद फल की प्रजाति है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला की बात करेंगे
तो वो हो जाएगा सोनभद्र। ठीक है, वन प्राणी सुरक्षा सप्ताह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 1 से 8 अक्टूबर के मध्य मनाते हैं, आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा प्रथम ताप विद्युत गृह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये सिंगरौली में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर स्थापित है, तो ये बेतवा नदी पर स्थापित है। माता टीला बांध जो है ये कहाँ पर स्थापित है, बेतवा नदी पर, बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी आपको याद रखना है। कौन सी मिट्टी के हल्के रंग वाली जो छिद्रयुक्त तथा महीन कड़ वाली होती है, तो वो मिट्टी होती है खादर, उसको खादर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की लंबाई की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर यानी कि 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो वह है 67.7%, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर पूछा जाएगा तो 77% है और महिला साक्षरता तो इसमें से ही 10 घटा दीजिए 57.something आ गया यानी 57.2%, 77.3% जो है पुरुष साक्षरता दर है। ये बातें हो गई, 10 जोड़ दीजिएगा तो पुरुष साक्षरता, तो 10 घटा दीजिएगा तो 57% आ जाएगा, और किस में से जोड़ना घटाना है तो 67 में से, जो कि उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त की बात करें तो उनका नाम हो जाएगा विश्वंभर दयाल। क्या नाम हो जाएगा, विश्वंभर दयाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उल्टाहवा किस जनजाति की उपजात है ये बताना है, तो उल्टाहवा जो है ये किस जनजाति की उपजाति है, उल्टाहवा जो है थारू जनजाति की उपजात है। ठीक है, जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है, जरीब की कुल लंबाई की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, जरीब की लंबाई कुल कितनी होती है, 20 मीटर। जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, जैन विद्या शोध संस्थान जो है ये लखनऊ में स्थित है, आंसर इसका सी हो जाएगा। इसमें से असत्य को पहचानना है, तो असत्य को पहचान की बात करें तो इसमें कजली महोत्सव जो आगरा में लिखा हो ये गलत हो जाएगा, कजली महोत्सव जो मनाया जाता है ये महोबा में मनाया जाता है। ठीक है, बाकी और तीनों सही हैं। चूना पत्थर भंडार में किस देश में प्रथम स्थान, सॉरी देश में प्रदेश का कौन सा स्थान है ये बताना, चूना पत्थर के भंडार में, चूना पत्थर के भंडार में जो है देश में दूसरा स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो राज्य परिवहन सड़क को 21 क्षेत्रों में टोटल बांटा गया है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में पहली रेलगाड़ी किन दो शहरों के मध्य चलाई गई थी, तो उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी जो है प्रयागराज से कानपुर चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। पहला क्वेश्चन है ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य है रोजगार और कौशल विकास। ठीक है, यानी कि स्वरोजगार और कौशल विकास इसका मेन उद्देश्य है। ये कब शुरुआत किया गया था, तो ये 2013 में शुरुआत किया गया था और 2016 में इसका नया नाम दिया गया था दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसका पूरा नाम रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित प्रशासनिक कार्यालय में कितने अनुभाग और प्रकोष्ठ हैं, तो उसमें अनुभाग और प्रकोष्ठ की बात करें तो 19 अनुभाग और 14 प्रकोष्ठ हैं, आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चकबंदी का वास्तविक कार्य कौन करता है ये बताना, तो चकबंदी का वास्तविक जो कार्य करता है उसका नाम होता है चकबंदी लेखपाल। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। इसमें से गलत युग्म को चुनना है, तो गलत युग्म की बात करें इसमें तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो 8 फरलांग जो 2 मील के बराबर दिया ये गलत दिया गया है। ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा डी, 8 फरलांग बराबर होता है 1 मील के बराबर। ठीक है, 8 फरलांग कितने मील के बराबर होता है, 1 मील के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण की अगर हम बात करें तो ये लेखपाल के द्वारा करते हैं, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 21 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो दिनेश गोस्वामी जो समिति है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। मनरेगा किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी, तो मनरेगा जो लागू किया गया था ये वो पंचवर्षीय योजना थी दसवीं पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी। दसवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 2002 से लेकर 2009 तक थी और उसी के मध्य जो है 2006 में ये पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। ठीक है, 2002 से लेकर 2009 तक दसवीं पंचवर्षीय का कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में हैं,
तो राज्यसभा में अगर सीटों की बात करेंगे तो 31 सीटें आ जाएंगे, लोकसभा में 80 सीटें टोटल, ये दोनों याद रखिएगा। जो सरकार से भूमि प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, तो जो सरकार से भूमि प्राप्त करे उसे भूस्वामी कहते हैं, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब पूरे देश में लागू की गई, तो ये लागू किया गया था 25 दिसंबर 2000 में, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट कर्मकार हैं, तो टोटल अगर हम बात करें कितने परसेंट हैं, तो 22.34% कर्मकार हैं। बड़ी जोतों से क्या तात्पर्य है, तो बड़ी जोतों से तात्पर्य है 10 हेक्टेयर से अधिक को बड़ी जोत कहा जाता है। जायद की फसल निम्न में से कौन सी नहीं है, यह बताना, तो ककड़ी, खीरा, लोबिया, ये तीनों हैं। चना जो है ये रबी की फसल है, जो सरसों, जो चना, मटर, ये सारे जो है गेहूँ, ये सारे रबी की फसल हैं, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी पार्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितनी है, तो महिला साक्षरता दर है 57.2%, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब प्रारंभ हुआ, कब लागू हुआ, तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना जो लागू हुआ 1954 में लागू हुआ, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना कब किया गया, तो ये स्थापना किया गया 1966 में, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी कब घोषित किया गया, तो इको टूरिज्म पॉलिसी जो है घोषित किया गया था 2014 में, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार एवं निवेली लिग्नाइट की संयुक्त परियोजना है, किसकी परियोजना है ये बताना है, तो यह है घाटमपुर परियोजना, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। घाटमपुर परियोजना जो है ये कहाँ पर है, तो ये कानपुर में, ठीक है। 2016 में इसको मंजूरी प्रदान किया गया। माहीगीर जनजात अर्थव्यवस्था का मुख्य अधिकारी क्या है, सॉरी मुख्य आधार क्या है ये बताना है, तो माहीगीर जो जनजात हैं विशेषकर ये मछली पकड़ते, इनका कार्य है मछली पकड़ना, इनका कार्य है, ठीक है। कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, तो सही सुमिलित युग्म नहीं की बात करें तो इसमें सैयद सलार जो मेला श्रावस्ती लिखा हुआ है ये गलत है, सैयद सलार मेला जो है ये बहराइच में लगता है, बहराइच में, ठीक है। तो यही आंसर इसका हो जाएगा। बाकी ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में, देवाशरी मेला बाराबंकी, देवीपाटन मेला बलरामपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है, तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है ये लखनऊ जिला में स्थित है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग है, क्या है राज्य वित्त आयोग ये बताना है, तो ये एक संवैधानिक संस्था है। अब संवैधानिक संस्था है तो यानी इसका कुछ आर्टिकल होगा, तो ये आर्टिकल 243 के तहत, 243 आई व 243 वाई के तहत जो ये संविधान इसको प्राप्त, संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल के परिक्षेत्र में नम भूमि का कितना परसेंट जो है क्षेत्रफल कितना परसेंट है ये बताना है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा 5.15%, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली अफीम फैक्ट्री किस जनपद में स्थापित किया गया, तो ये गाजीपुर में स्थापित किया गया था, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आवास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई, तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आवास परिषद की स्थापना जो है ये किया गया है 1983 में, आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट 1983, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांवों की सूची के रजिस्टर का पुनरीक्षण कौन करता है, तो गांवों की सूची का रजिस्टर का पुनरीक्षण जो है कलेक्टर करता है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहते हैं, तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को कहा जाता है पंचायत समिति, पंचायत समिति कहते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत के गठन की बात कही गई है, तो ये अनुच्छेद 40 में गठन की बात की गई है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 40, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में समन्वित विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया, तो वो पंचवर्षीय का नाम है छठी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना में जो है समन्वित विकास कार्यक्रम चलाया गया था। अब समन्वित विकास कार्यक्रम की शुरुआत की बात करें तो ये 1980 में शुरुआत किया गया था, 1980, ठीक है। और छठी पंचवर्षीय कार्यकाल क्या था, 1980 से लेकर 1985 तक इसका जो है कार्यकाल था, 1985 तक छठी पंचवर्षीय का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NREGP, ठीक है, का पूर्ण रूप क्या है ये बताना है, तो NREGP का पूर्ण रूप की बात करेंगे तो हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इसका पूर्ण रूप बनता है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के सुधार हित व्यापक बदलाव हित कौन सी योजना चलाई गई है, तो वो योजना है इंद्रधनुष योजना, कौन सी योजना है, इंद्रधनुष योजना, ठीक है। इंद्रधनुष योजना कब चलाया गया, तो अगस्त 2015 में इसको स्टार्ट किया गया इंद्रधनुष योजना को। ये 7 सूत्रीय मिशन है जो कि ये किससे संबंधित, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से सुधार से संबंधित। हृदय योजना की बात करें तो यह कब स्टार्ट किया गया,
तो ये 21 जनवरी 2015 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, सहज योजना की बात करें तो ये सौभाग्य योजना इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको अन्य नाम क्या है, सौभाग्य योजना, और ये शुरू किया गया है सितंबर 2017 में इसको शुरुआत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो ये प्रारंभ किया गया 1973-74 में। कब प्रारंभ किया गया, 1973-74 में। ठीक है, गुनिया की लंबाई कितनी होती है, तो गुनिया की लंबाई की बात करें तो ये 2 इंच होती है गुनिया की लंबाई, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में फसल गहनता की बात करें तो वो हो जाएगा 156% फसल गहनता है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कृषि उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है महाराष्ट्र। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राष्ट्र कौन सा है, महाराष्ट्र है। ठीक है, पहला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची को मिलान करना है, फसल है और रोग है। ठीक है, देखिए तो अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। और इसमें देखिए धान की बात करें तो धान में कौन सा, करनाल बंट रोग लगता है, मक्का में जो है रेड राट रोग लगता है। ठीक है, गन्ना में जो है तना छेदक रोग लगता है, और गेहूं का में झुलसा रोग लगता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आंवला उत्पादन का प्रमुख जिला कौन सा है, तो आंवला उत्पादन का प्रमुख जिला है प्रतापगढ़। जिला प्रतापगढ़ में आंवला सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में कुक्कुट नीति कब घोषणा की गई थी, तो यह घोषणा किया गया था 2013 में। कब किया गया था, 2013 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, तो यह स्थानों की संख्या कुल स्थानों का 1/3, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। कुल स्थानों का 1/3 इसमें आरक्षित किया गया है। इसमें से असत युग्म की पहचान करना है, अनपरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र। ठीक है, इसके बाद इसमें दिया गया है ऊंचाहर ताप विद्युत केंद्र रायबरेली, करछना ताप विद्युत केंद्र लखनऊ, तो ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा आपका। पनकी ताप विद्युत केंद्र ये जो है कानपुर में है, तो करछना ताप विद्युत केंद्र ये कहाँ पर है, तो ये है प्रयागराज में। ठीक है, कहाँ पर है, प्रयागराज, तो ये आपको याद रखना। यमुना नदी की लंबाई कितनी है कुल, तो यमुना नदी की कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर। ठीक है, 1376 किलो। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही वरीयता क्रम का क्या है, ये बताना है। तो सही वरीयता क्रम है ग्राम सभा, फिर इसके बाद ग्राम पंचायत समिति, फिर इसके बाद जिला परिषद आता है, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, ये बताना है। तो वो जनजात है थारू। थारू जनजात जो होती है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, कल्कि उत्सव किस जनपद में प्रमुखता से मनाया जाता है, तो कल्कि उत्सव की बात करें तो ये संभल जिला में मनाया जाता है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है, तो उस अनुच्छेद का नाम है 243। कौन सा अनुच्छेद, 243। ठीक है, भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, ये बताना। तो भारत का सबसे लंबा हाईवे की बात करेंगे तो वो हो जाएगा NH-35, ये सबसे लंबा हाईवे है। राज्यपाल पद हेतु जो है उत्तर उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यपाल के पद हेतु के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। ठीक है, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था, तो उसका सभापति था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ये सिफारिश किया गया था, जो कि एक त्रिस्तरीय समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें अगर हम बात करें कागज़ लुगदी उद्योग जो ललितपुर लिखा है यह गलत लिखा है, गजक रेवड़ी लखनऊ यह सही है, सुरमा उद्योग बरेली ये भी सही है, टेरीकोटा उद्योग गोरखपुर, और कागज़ लुगदी का जो ये होता है ये सहारनपुर के क्षेत्रों में होता है, सहारनपुर जिले के आसपास, तो इस एक तरीके से यह गलत लिखा, तो आंसर यही हो जाएगा डी पार्ट। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसमें 1 से लेकर 10 तक प्रैक्टिस सेट थे ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन का, जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट होंगे, उसका भी हल किया जाएगा। तो वीडियो को देखते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए। थैंक यू, नमस्कार।